चाहती हूँ कि ना जब मैं कभी आऊंगी ना मेरी हाथ तो आजा करे इन सब चीजों से खाना खिला खिला के। देखिए सबसे पहले बात इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। प्रेजेंटेशन है ना इंडिया वालों की होती है, उन्होंने अंदर कीमा नहीं डाला, उन्होंने अंदर कुछ भी नहीं डाला क्योंकि वो ज्यादा शाकाहारी हैं। और बड़ा पाव के साथ उन्होंने दिया है बहुत ही जबरदस्त किस्म का सालन। इंडिया का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, लाइक फेसबुक पे देखते हैं, उनके पेज पे देखते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं पाकिस्तानी फूड का और इंडियन फूड का, तो इंडियन फूड के बारे में आपको क्या पता है और क्या समझते हैं कौन सा फूड ज्यादा बेहतर है? यार इंडियन फूड में अगर देखा जाए ना तो मिठाई का मुकाबला नहीं है। हल्दीराम वालों की अगर आपने कभी ट्राई की हो, आउट ऑफ एनीवेयर, बहुत अच्छी है। उनकी आप अपना चाय ले लें, काजू कतली, चाहे उनकी पापड़ी ले लें सोन पापड़ी, कमाल है। पाकिस्तान में उसका स्टैंडर्ड नहीं मीट हो सकता। लेकिन ये देखो ना जरा कितना मजेदार, इन्होंने आलू की भुजिया टाइप बना रहे हैं, टमाटर और आलू की भुजिया टाइप। ओए होए वाह, अब मक्खन दोबारा डाला जा रहा है, उसकी धूनी लगा रहे हैं मक्खन। यार इतना मजे का, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे बहुत खाना खाती हूँ, मुझे इतनी क्रेविंग होती है कि मुझे भूख लग गई है। मैंने अभी 10-15 मिनट पहले खाना खाया है और अब मुझे, क्योंकि देखे उनका जो, मैं रात को कभी अपसेट होता हूँ ना, ठीक है, मैं उनके स्पेशल वो निकालता हूँ जो उनके ब्लॉगर्स हैं ना, मैं वो देखता हूँ, ठीक है, और मेरा ऐसा मूड, मैं उसी टाइम मुझे ना, मुझे दिल मेरा करता है कि मैं किसी तरीके अंदर से निकाल लूँ। देखिए सबसे पहले बात इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज़ का नाम निशान नहीं, पता है, दूर दूर तक जाके इंपोर्टेड खरीदो तो खरीद लो। बटर इतना ज़्यादा यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना तो यकीन करें मुझे तो वीज़ा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पर जाके मैं फुटबॉल बन जाऊंगा, अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है, वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है, उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता हूँ। पानी पूरी मशहूर है वहाँ, डोसा, हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ा सुना भी है, तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जो यहाँ पाकिस्तान में हमें मैसर नहीं है, तो हम इंशाल्लाह अगर वहाँ पे कभी गए तो जरूर ट्राई करेंगे डोसा। इंडिया का वो कबाब के ऊपर चीज़ डाल के देते हैं, लाइक उनका आमूर बटर जो होता है वो भी बहुत होता है, तो आई थिंक इंडिया फूड में हमारे से आगे है। बटर, चीज़, पनीर, यार इसमें मुझे नहला दो, मुझे इसमें दफन कर दो, मैं मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। अच्छा इंडिया का जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़े का लगता है ना, जो अच्छा लगता है उनका देसी फूड बड़ा, वो जो ऑमलेट बनाते हैं ना, ऑमलेट के ऊपर जनाब जब वो बटर की ऐसे बारिश और चीज़ की बारिश करते हैं। मुझे मजे की बात ये है कि जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, रात को हम लेटे होते हैं, मैं पर्सनली ये करती हूँ, मैं YouTube निकाल के या मैं कोई TikTok देख रही हूँ, तो वो ये इस तरह की फूड की वीडियोस आती हूँ, मैं स्पेसिफिकली इंडिया की वीडियो निकाल के देखती हूँ, वो जिसमें बड़ा पाव पाव भाजी इस तरह की आती है चीज़ें। अब मुझे बताए वो देख के कितनी क्रेविंग होती है और मतलब क्या दिल कर रहा होता है, जरा उनको बताए। अच्छा आप लोगों को कभी अगर चांस मिला इंडिया जाने का तो कौन सा पहला ऐसा फूड होगा जो आप जाके ट्राई करना चाहोगे और कहाँ पे? उनका बड़ा पाव, उनका बड़ा पाव। कहाँ से? अब ये दिल्ली से। आपको तो पता है हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, लेकिन इंडिया में आपको पता है कि वो मीट्स का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइक वो वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। सो फर्स्ट मैं तो उनका जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा वो ट्राई करना चाहूँगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडिया जाने का चांस मिल जाता है, ये फूड या इनके अलावा भी और भी फूड हैं जो आप ट्राई करना चाहोगे? हाँ मैं करना चाहूँगी पाव।